अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सैयदा नाहिदा खादी, एनआरके 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 28 मार्च सैटरडे हफ्ते का दिन है और मैं आप तमाम लोगों के सामने आज लाइव आई हूँ। इस वजह से मैं लाइव आई हूँ क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान में नहीं, तेलंगाना या फिर हैदराबाद में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। जैसे कि हर जगह पर कर्फ्यू है, आप गल्फ कंट्री में ले लीजिए या इंग्लिश कंट्री में ले लीजिए या फिर हमारे हिंदुस्तान में ही लीजिए, हर जगह पर कर्फ्यू है क्योंकि ये कोरोना वायरस की बचने के लिए हम सबके ऊपर कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि जो वायरस है जिससे कई सारे लोगों की जान बच सके, इस वजह से हमारी सेफ्टी के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन ऐसे हालात में जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जैसे कि जो रोज का कारोबार करके अपना घर चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, वैसे लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मैं अपनी आंखों से उन लोगों के घर तक जाकर देख रही हूँ कि वाकई में वो लोग इतना भूख से तड़प रहे हैं, उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, बेचारे दो दो दिन से खाना नहीं पका कर खाए घर में। तो वैसे लोगों के मुझे कॉल्स जब आते हैं, मैं जब उनसे जाके मिल रही हूँ, तो वाकई में मेरे खुद आंख में आंसू नहीं आ रहे, मेरे यकीन मानिए मेरे आंख से आंसू निकल जा रहे हैं। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ वहां पर जाने के बाद। तो बस मैं यही चाह रही हूँ कि देखिए, ऐसे लोगों को हम ऐसे वक्त पर अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और मैं ये उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो अब इस वक्त अपने पास पैसा रखते पर भी ऐसे लोगों के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसे लोगों के लिए मदद करने के लिए थोड़ा पीछे हट रहे हैं। अरे देखिए, आप लोगों को आगे भी जाके इन लोगों की मदद करना है। जैसे कि रमजान में आप अपनी जकात निकालते हैं, तो आपकी जो रमजान की जकात है, आप उसमें ऐसे लोगों के लिए मदद करिए। देखिए, जकात ऐसे वक्त में भी अगर आप इन लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, अपनी जकात ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, तो वाकई में अल्लाह ताला खुश होगा। और यही वक्त है अल्लाह को खुश करने का, हमारे अल्लाह को राजी करने का, क्योंकि आपको अल्लाह ने इससे हम साफ जाहिर हो रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज है, क्योंकि हम तमाम लोगों के, देखिए कैसे कैसे आजकल गुनाह हो रहे हैं, कैसे कैसे बदकारियां हो रहे हैं, कैसे कैसे शिर्क काम किए जा रहे हैं लोगों के हाथों, तो उस वजह से भी अल्लाह ताला हमसे बहुत नाराज है। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि आज जो माहौल से गुजर रहे हैं हम सब, आज जिस तरीके से जो गरीब आवाम है, जो बिलक रहे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, वैसे लोगों के लिए अगर आप राशन का इंतजाम करेंगे तो बताइए, बराबर अल्लाह ताला आपसे खुश होगा, हो सकता है अल्लाह भी हमसे राजी हो जाएगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ, देखिए आप ज्यादा बड़ा पैकेज भी नहीं दे रहे हैं हम उन्हें, कुछ बड़ा आपकी कुछ बड़ी दौलत या कोई आपके बहुत बड़ा चीज नहीं निकाल के दे रहे हैं, जस्ट एक उनको एक थोड़े दिन का राशन हम देना चाहते हैं, उनको थोड़े दिन की राहत हम उन्हें पहुंचाना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी राहत है ऐसे लोगों के लिए। गरीब लोग से पूछिए, उनके पेट से पूछिए कि ये राशन, इतना सा राशन उनके लिए कितनी बड़ी बात है। 10 किलो चावल हम देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ये 10 किलो चावल का पैकेट है, ये 5 किलो आटे का पैकेट है, सॉरी 3 किलो आटे का पैकेट है, और 1 लीटर तेल है साथ में, और 500 ग्राम अदरक लहसुन है साथ में, आधा किलो दाल है, 1 किलो नमक है, और 250 ग्राम मिर्ची और 100 ग्राम हल्दी। ये इस तरीके का जो पैकेज है, 700 रुपए का पैकेज हो रहा है। ये एक घर को हम 700 रुपए का पैकेज फ्राहम कर रहे हैं। तो ऐसे कई घरों को मैं अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों की दुआओं के सपोर्ट की वजह से, यकीन मानिए 200 घरों को अब तक हम इस तरीके का राशन पहुंचा चुके हैं। और आगे भी मुझे कई जगहों से, कई महलों से मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, औरतों की अगर आप वॉइस सुनेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि वाकई में बेचारे कैसे रो रो के मुझे औरतें कॉल कर रही हैं कि मैडम हम बहुत परेशान हैं, मैडम कल से हम आपस खाने के लिए नहीं, मैडम मेरे शौहर फूल की दुकान पर काम करते थे, मैडम मेरे शौहर ऑटो चलाते थे, मैडम मेरे शौहर फलाने दुकान पे जाके एक लेबर का काम करते थे। तो ऐसे कई कॉल्स मुझे आ रहे हैं, तो यकीन मानिए अभी इतने सारे मेरे पास लिस्ट है यहाँ पर रखी हुई, जहाँ पर मुझे जाना है अभी। जैसे कि आप देखिए, सिकंदराबाद, मौलाली, मेहदीपट्टनम, गोलकुंडा किला, नामपल्ली, अंबरपेट, मल्लापल्ली, चादरघाट, मलकपेट, पहाड़ी शरीफ, शाहीन नगर, फलकनुमा, शालीबंडा, संतोष नगर, बालापुर, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, काला पत्थर, ये कई जगहों की औरतों के कॉल से ही है। ये कई जगह की औरतें हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं, जिनके घरों में राशन नहीं है। तो मैं खुद एक अफसोस में हूँ, मेरे को यकीन मानिए मेरे पास पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है, इस वक्त मेरे पास स्टॉक भी नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिनके पास इस वक्त पैसा रखे हुए हैं आप लोग, तो प्लीज आप लोग अपना थोड़ा ऐसे लोगों के लिए राशन देने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कर्फ्यू खुला है, उस दौरान दुकानें भी खुली है, और उस दौरान आप आ जा भी सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो आप ऐसे पैकेजेस भी बनाकर मेरे ऑफिस तक भी लाकर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आने की जहमत नहीं भी करना चाहते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप 5 घर के लिए, 3 घर के लिए, 10 घर के लिए भी अगर आप ऐसे पैकेजेस बनाकर भी अगर अपने घर पे रखेंगे, तो मैं खुद आऊंगी आपके घर पे, मैं खुद आपके पास आकर आपके पास से मेरे पैकेजेस कलेक्ट कर लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। और कई सारे लोगों को मैं बस यही चाहती हूँ कि हर किसी की, हर किसी को दुआ लगनी चाहिए। ये मौका है, ये वक्त है दुआएं लेने का, ये वक्त है अल्लाह को राजी करने का।
और हमारी तेलंगाना हुकूमत से और हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है, उन लोगों से अपील करती हूँ मैं कि प्लीज़ आप लोग भी ऐसी गरीब आवाम के लिए कुछ तो सोचिए, कुछ तो भला करने की सोचिए, क्योंकि इस वक्त गरीब लोग जो है उनके मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं भूख से। तो मैं यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं खुद अपने आंखों से जाकर देख रही हूँ, मुझे खुद बर्दाश्त नहीं रहा ऐसे लोगों की भूख बर्दाश्त नहीं रही, वैसे लोगों को मैं देख कर आ रही हूँ। मैं ऐसा भी नहीं है कि हमारे डायरेक्ट कॉलर हम जाके उनको फौरी दे रहे, नहीं, मैं खुद वहां पर जाके पहले अपनी आंखों से देख रही हूँ कि वाकई में कैसी औरतें हैं, कैसे मुस्तहक लोग हैं, वाकई में इनको कितनी जरूरत है राशन की, वो सब कुछ देखकर मैं वहां पर लोगों को राशन फराहम करने की कोशिश कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज आप लोग देखिए, रमजान में हम ज़कात निकालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रमजान में ही ज़कात निकाले, रमजान से पहले भी आप उस चीज की ज़कात निकाल सकते हैं। ये हकदार लोग हैं आपके, आपकी ज़कात के असल हकदार ये लोग हैं जो आज परेशान हाल है, जो आज अपने घरों में इज्जत के खातिर रोड पर निकल के भीख नहीं मांग सकते हैं। देखिए आज कई ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब हैं, लेकिन किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैला सक रहे हैं कि हमको चाहिए बोल के, जब क्योंकि उनको रोज मेहनत करके खाने की आदत है, वो खुददारी की जिंदगी जिए हैं अब तक। तो वैसे लोग कभी लोगों के आगे हाथ भी नहीं फैलाएंगे, कभी किसी के पास जाके मांगेंगे भी नहीं, कभी किसी के बाहर जाके कतार में ठहर कर भी लेने के लिए शर्माएंगे ऐसे लोग। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के लिए अगर अपनी ज़कात देंगे तो वाकई में अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। और यकीन मानिए मैं कई घरों पर जाकर ऐसे लोगों के हालात देख चुकी हूँ। बस मैं आप लोगों से यही अपील है मेरी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितना हो सके आप लोग अपने सपोर्ट करिए, हमारे खिदमत खलोशी के जरिए आप कहीं भी आप राशन पहुँचा सकते हैं। ऐसे कई औरतें हैं जिनको हमको ऐसा राशन पहुँचाना है। और एक चीज़ और आखिरी में आप लोगों से अपील मैं ये करती हूँ कि नमाजों की पाबंदी करिए, अल्लाह को याद करिए, क्योंकि इस वक्त हमें दुआओं की सख्त ज़रूरत है। दुआएँ हैं जो हमें इस वायरस से बचा सकती हैं, ऐसे कर्फ्यू से हमें बचा सकती हैं, ऐसे हालात से हमें हिफाजत फरमा सकती हैं हमारी। तो बस मैं यही चाहूंगी कि आप लोग जितना हो सके नमाजों की पाबंदी करिए, दुआएं करिए। और ये जो एक राशन का पैकेज है वो 700 रुपए का पैकेज है। और एक चीज आप लोगों से, मैं वीडियो मेरा जो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो है मेरा जो मैं लाइव दे रही हूँ, इस वीडियो को आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर करना भी एक नेकी है। आप ये सोच लीजिए कि आप एक शेयर कर रहे हैं तो एक पैकेज का इंतजाम कर रहे हैं, ये भी सोच के अगर आप चाहें तो पैकेज के लिए भी एक शेयर कर सकते हैं। एक शेयर आपका एक पैकेज का इंतजाम हो सकता है, शायद हो सकता है आपका एक शेयर करने की वजह से कोई एक इंसान के दिल में ऐसी मोहब्बत आ जाएगी कि वो इंसान एक पैकेज का इंतजाम कर देगा, या दो पैकेज का इंतजाम करेगा, या पांच पैकेज का इंतजाम करेगा। तो बस आप लोग शेयर भी करिए मेरी वीडियो को। और आखिर में मैं आप तमाम लोगों से, खास तौर पे तमाम मुसलमानों से मैं अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, नमाजों की पाबंदी करिए। ये वक्त नमाजें पढ़ने का है, ये वक्त इबादतें करने का है। मैं जानती हूँ मस्जिदों में भी ज्यादा तादाद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो अपने घरों में बैठ के आप इबादत करिए। और औरतों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने छोटे मासूम बच्चों से दुआएं करवाइए, क्योंकि हम तो बड़े लोग गुनहगार हो चुके हैं, गुनहगार बंदे हैं हम, लेकिन मासूम बच्चों की अल्लाह ताला सुनने वाला है। तो बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घरों में अपनी पाबंदी करिए नमाजों की और दुआएं करिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।